अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10A ऑफ चैप्टर नंबर 10, दैट इज बेसिक ज्योमेट्री फ्रॉम बुक ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1। जैसे कि आप लोग ये देख भी सकते हैं, ये बुक 1 है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई ईच एंड एवरी न्यूली अपलोडेड वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, हम क्वेश्चन नंबर 1 बुक के ऊपर ही करेंगे और क्यों करेंगे ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर मेजर एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अननोन एंगल्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल सी उन्होंने एक बात बता कह दी है कि प्रोट्रैक्टर को हमने यूज करना है और हमने इन एंगल्स को मेजर करना है कि ये एंगल्स इनकी क्या मेजरमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि प्रोट्रैक्टर क्या होता है। जैसा कि ये आपके सामने एक मैंने शेप लाई है और इसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं और बहुत कॉमन जुबान में हम इसको DB बोलते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक पुरानी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एंगल्स को मेजर करने के लिए हम डी यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आप देखें कि एक साइड पे 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और 180 तक जा रहा है, और दूसरी साइड पे क्लॉकवाइज 0 से लेके 180 तक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक बार दफ़ा हम लोगों को यहाँ से डिग्रीज मेजर करनी पड़ जाती हैं, बार दफ़ा हमें यहाँ से डिग्रीज मेजर करनी पड़ जाती हैं। तो हमने इसलिए इसके ऊपर दोनों तरफ से होते हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर 0 से लेके 180 तक डिग्रीज हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो दरमियान में ये वाली लाइन है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो राइट एंगल होता है, यानी वो 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा हमने एक एंगल पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा। अब अगर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा कि वो किस तरह का होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले आपके पास एक तो ये हो गया ना डी, ठीक है, ये हो गया 180 डिग्रीज। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, चलिए जी। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए, ये 0 से लेके 180 डिग्रीज हो गए। अब ये 180 से लेके जब यहाँ तक ये रोटेशन पूरी होगी तो यहाँ पे हमारे पास 360 डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा, यानी रिफ्लेक्स एंगल जो भी होगा वो हमारा इस एरिया में कहीं पे भी बनेगा, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, फिर ये वाला एंगल भी हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाला भी एंगल हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एंगल भी हो सकता है। तो इन ये वाले एंगल्स इस तरह हम मेजर करेंगे। अगर रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है उसको हम कैसे मेजर करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जिसका हमने एंगल फाइंड करना है, और हम उसको कैसे फाइंड करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। बुक के ऊपर ही मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये है, हमने ये एंगल सी फाइंड कर लेते हैं। मेजरमेंट पहले से लिखी हुई है, आपने उसको नहीं देखना, आपने जो तरीका मैं आपको समझाऊंगी आपने उस पर फोकस करना है। यहाँ पे हम अपने इस डी को कैसे रखेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है उस पॉइंट के ऊपर आपने ये वाला पॉइंट रखना होता है जहाँ पे ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये ओरिजिन जो होता है इसका, ये आपने रखना होता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं अगर रख रही हूँ, ठीक है, मैंने ये यहाँ पे रख दिया। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है कि जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, ये जो 180 वाली लाइन है, ये आपकी इस वाली लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने ये रख रही हूँ और ये मेरी लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आई हुई हैं। तीसरी चीज आपने ये देखनी है कि हम इस साइड से एंगल्स मेजर करना शुरू करें या इस साइड से एंगल्स देखना शुरू करें। उसके लिए आपने इस लाइन को देखना है कि अगर ये वाली लाइन इस तरफ है तो आप एंगल्स इस तरफ से देखेंगे, अगर ये लाइन उस तरफ है तो आप एंगल्स उस तरफ से देखेंगे। तो हमारी ये वाली लाइन जो है वो इस तरफ है, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज जाएंगे। चलिए जी, मैंने पॉइंट को पॉइंट के ऊपर रख दिया, लाइंस भी मीट कर रही हैं। अब मैं यहाँ से डिग्रीज देखना शुरू करूंगी, आप लोगों को क्लियर नजर नहीं आ रहा, मैं बुक थोड़ी सी ऐसे कर देती हूँ जी। अब हम यहाँ से अगर मेजर करना स्टार्ट करें तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ तक तो 90 डिग्री तक आ रही है, ठीक है। 90 के बाद ये वाली लाइन जो है वो इस 100 से थोड़ी सी पीछे है। तो हम इसको क्या, अगर आप इस ब्लू वाली लाइन को अपनी पेंसिल यूज करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये कौन सी लाइन के ऊपर मीट कर रही है। यहाँ पे मेजरमेंट हमारे पास 97 या 98 डिग्रीज का एंगल बन रहा है,
ठीक है, तो ये आपका ये वाला एंगल मेजर हो गया। अब दूसरा एंगल मैं इस डायग्राम पे समझाऊंगी ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। लेट से हमने डी एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर हमने रखना है, और दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, ये जो वाली ब्लैक लाइन है ये इस ब्लू लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होनी चाहिए, लाइक दिस। और अब हम एंगल मेजर करेंगे, और एंगल मेजर करना किधर से, हमने इस साइड से शुरू करना है क्योंकि हमारी ब्लू लाइन इसी साइड पे है। तो हम जब यहाँ पे आएंगे तो ये एग्जैक्ट जो है वो 50 डिग्रीज बन रहा है हमारा, एक भी थोड़ा सा अगर आगे पीछे है तो कोई इशू नहीं हो सकता, इतना सा फर्क आ भी जाए तो कुछ नहीं होता। तो ये हमारे एग्जैक्ट जो है वो 50 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, जो डी एंगल है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो इस ई को फाइंड करने में होगी कि ई जो है वो को किस तरह का एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी हम इसकी कंस्ट्रक्शन अगर कर लें तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है कि आप सबसे पहले ये जो लाइन है ना, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, ये लाइन आपने एक्सटेंड कर दी। अब इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाला एंगल तो हमें सामने पता चल रहा है कि ये ना हमारे पास 180, ये वाला जो एंगल है ये 180 का सामने क्लियर पता चल रहा है। दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है ये जो छोटा सा रह गया है, यहाँ पे हमने अपना रखा प्रोटेक्टर, और अब हम देखेंगे कि हमारी लाइन कहाँ से कहाँ को जा रही है। हम ये करना शुरू करेंगे इस साइड से, और ये हमारे पास कम से कम, चलिए इसको 48 कह देते हैं, ये 48 से बाहर निकल रही है। तो हमारे पास ये वाला एंगल है 180 डिग्रीज का, ये एंगल है 48 डिग्रीज, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो इस पूरे एंगल की मेजरमेंट होगी। अगला जो है क्वेश्चन, उसमें हमने ये देखना है कि जी एंगल की क्या वैल्यू है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, पॉइंट्स मीट होने चाहिए, लाइंस मीट होनी चाहिए, और जब जी एंगल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 44 डिग्रीज बन रही है, 45-44 डिग्री बन रही है। एग्जैक्ट आपको कैसे पता चलेगा, अगर ये लाइन हमारी जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी और वो इन लाइंस को मैच मीट करेगी तभी हमें पता चल सकता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। लेकिन तरीका सॉल्व करने का यही है। यहाँ पे मैं इस एच एंगल को देख लेती हूँ, एच को देखने के लिए हमें दोबारा इसको 180 बनाना पड़ेगा एक साइड से, जी स्टूडेंट्स। अब इसको 180 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 की लाइन हो गई। इससे आगे मेजर करने के लिए हमें अपना प्रोटेक्टर यूँ रखना पड़ेगा, और अगर हम देखें तो ये वाली लाइन 60 पे आ रही है, ये वाला जो एंगल है एग्जैक्ट 60 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 60, ये था 180 डिग्रीज का, इन दोनों को ऐड करें आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये वाला प्रोटेक्टर या डी जो है ये यूज़ करना आ गया होगा। इन केस अगर नहीं आता तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि इसको मैं आपको करवा चुकी हूँ बार बार, स्टार्ट में पिछली वीडियोस में मैंने आपको करवा दिया। अगर नहीं समझ आएगी तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, फिर भी समझ नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछें। फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स थे जिनका सम हमें 90 डिग्रीज का मिलता है, यानी दो एंगल्स जिनको ऐड किया जाए तो हमारे पास 90 डिग्री आता है, उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, मैं सिर्फ ए पार्ट करूंगी, बाकी पार्ट आपने खुद ही कर लेने। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको दो को ऐड किया जाए तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि हम लोग क्या कहते हैं, अगर 90 में से हम लोग 18 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो कम्प्लीमेंट्री ऑफ 18 डिग्री होगा, और इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 72 डिग्री। इस चीज़ को मैं आपको समझाऊँ, इस चीज़ को करने का तरीका ये है, ठीक है, लेकिन समझाने का मैं आपको थोड़ा सा इजी करके समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एंगल्स, ये तो हमें पता है कि दो एंगल्स होंगे, ठीक है, दूसरे एंगल का हमने कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। लेट्स से कम्प्लीमेंट्री एंगल से हमें क्या पता चल रहा है कि वो चीज़ जो है वो हमेशा हमें 90 डिग्री का, ओवरऑल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देख के हमें ये बात समझ आ रही है। अब एक एंगल उन्होंने हमें दे दिया है, वो है 18 डिग्रीज का, इसका मतलब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को फॉर एग्जांपल हम लोग x कह देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
90 डिग्री का दोबारा बता रही हूँ, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा ऐड होके हमें 90 डिग्री देते हैं। इसका मतलब उन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। हमने फाइंड करना है ये वाला x, तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 डिग्रीज आ जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है मैंने, जब आपको ये चीज़ आपके जहन में होगी तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का जो डी पार्ट है वो क्या है, डी पार्ट में आपने 64 डिग्रीज का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 64 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 90 डिग्री से हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जब भी बात होगी हमारे पास सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, और दूसरा एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो हम 90 में से पहले वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरे वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सप्लीमेंट्री एंगल्स को जब भी हम दो एंगल्स को ऐड करेंगे और हमारे पास 180 डिग्री आंसर आएगा तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। पार्ट ए है 36 डिग्रीज। इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको तरीका समझा देती हूँ और फिर आपने जो जिस तरीके से सॉल्व करना है वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सप्लीमेंट्री एंगल से बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास वो एंगल 180 डिग्रीज का होगा, सम करने के बाद एंगल्स की जो वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री होगी। अगर एक एंगल की वैल्यू 36 है, ठीक है, अगर इस एंगल की वैल्यू 36 आ रही है तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से इस पोर्शन को माइनस कर देंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल हमने क्या किया, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 36, तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो इस एंगल की वैल्यू होगी। बाकी तीन पार्ट्स भी आपने बिल्कुल एज इट इज करने हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नाउ और वर्क एग्जांपल्स में कर चुके हैं, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको जस्ट यहाँ से एक डायग्राम्स पे से ही समझाऊंगी और आपने इनको खुद करना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, ये हमें पता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो इसका मतलब कि जब हम ए और 33 को प्लस करके 180 के इक्वल करेंगे, ठीक है, 180 में से 33 को निकाल दें तो ए आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये तीन एंगल्स हैं, इन तीनों को इक्वल टू 180 करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो मैंने आपको तरीका पिछली वीडियो में समझाया था ये बिल्कुल वैसे ही होने, इनमें कुछ भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये भी उसी मैथड से होना है। सिर्फ आपने यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी ये 4c है, ये c है, आपने पहले c की वैल्यू पुट करनी, फाइंड आउट करनी है, और फिर आपने उसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एंगल की आ जाएगी, और ये वाली c की खुद ही वैल्यू c की ही होगी। इसका जो d पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारे पास a o b एक लाइन दे दी गई है, ये हमारे पास c पॉइंट है, इस जगह पे जो एंगल है वो 2d प्लस 14, और ये वाला जो एंगल है वो है 4d प्लस 16। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं, जो भी एंगल्स होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली 4d प्लस 16 प्लस 2d प्लस 14 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि मैंने इस टर्म को इस टर्म में ऐड कर दिया है। अब जो सिमिलर हैं, जो डी वाली चीज़ें हैं, उनको मैं प्लस कर दूंगी और वो बन जाएगा 6d, और जो डी के बगैर हैं वो अलग हो जाएंगी, और 16 और 14 को जब ऐड करें तो क्या आएगा, 30 इज इक्वल्स टू 180। 6d को हमने यहीं पे रखा, 30 को हम यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 150, 6 को ख़त्म करना है, दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ गया 25 डिग्रीज। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 25। अब जब हमने फाइंड करने हैं एंगल्स, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे डी के ऊपर भी डिग्री है, 25 के ऊपर भी डिग्री है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ डी की वैल्यू रह जाएगी। आपने जब खाली वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है उनके साथ डिग्रीज नहीं लगानी, डिग्रीज सिर्फ एंगल्स के साथ लगेंगी। यहाँ पे 4d प्लस 16 इस एंगल की वैल्यू में फाइंड करने लगी, और इस एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल हम 4d की जगह d की वैल्यू पुट कर दी प्लस 16, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें आपके पास
इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और इसी मेथड पे आपने इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 2d के साथ d की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि अभी हमने फाइंड की 25, और आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, x, y एंड z आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 3 एंगल्स हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। हमारे पास y की वैल्यू भी गिवन है, z की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे पोर्शन में हमारे पास x की भी गिवन है, z की भी गिवन है, y की हमने फाइंड करनी है। मैं पार्ट बी कर रही हूँ, ए जो है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेट लाइन पे हैं एंगल्स, तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और तीन एंगल्स हैं तो हमने तीन एंगल्स अपनी मर्जी से कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये हमने तीन एंगल्स ड्रॉ कर लिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये सिर्फ एक फिगर बना रही हूँ। अब यहाँ पे ये वाला वाई है, एक्स और जी। वाई की जो सेकेंड पोर्शन है उसमें हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू है 2y और जी की वैल्यू है 3y। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी y एंगल की फाइंड करनी है। तो सबसे पहली जो बात हमने लिखनी है वो क्या लिखनी है, 2y plus 3y plus y is equals to 180 degree। अब चूंकि ये तीनों y's हैं, सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 6y is equals to 180, कटिंग हो गई, और y is equals to 30 degrees। ठीक है, तो इसका मतलब y एंगल की जो वैल्यू है वो क्या आ गई। अब ये y एंगल की वैल्यू थी तो मैंने इसके ऊपर डिग्री खत्म नहीं करनी, मैं इसको डिग्री ऐसे ही लिख के रखूंगी। अगर मैंने सिंपल ये वाले y की वैल्यू फाइंड करनी होती तो फिर मैं इनके ऊपर से डिग्री खत्म कर देती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमने फाइंड करने हैं एंगल्स जो कि एट अ पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर जो हमने एंगल्स फाइंड करने का जो तरीका मैंने आपको समझाया था, ये वो वाला क्वेश्चन है। इसमें हम डी पार्ट कर लेते हैं, एंगल बना हुआ इस तरह, ये हमारे पास 6D, इसको उन्होंने 139 डिग्री कहा है, 7D प्लस 223 डिग्रीज, और ये वाला है 5D। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके जहन में इस वक्त आई होगी, वो ये है, जो बच्चे मेरे पुराने लेक्चर्स ध्यान से सुन रहे थे उनको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन को देखते ही, कि हमारे पास ये जितने भी एंगल्स हैं इनका सम होना चाहिए 360 के इक्वल। तो मैं सारों को एक ही दफा लिख लेती हूँ, और 360 के इक्वल। इसमें हम जो सिमिलर वेरिएबल्स वाले हैं जो कि डी वाले हैं, हम उन सबको प्लस कर लेंगे, यानी 7D, 6D एंड 5D जो है वो ऐड हो जाएंगे। 18D में हम लोगों ने ऐड करना है 23 और 139 को, ये हो गया 162 इक्वल्स टू 360। 18D इक्वल्स टू 360 माइनस 162, 360 माइनस 162 इज 198। यहाँ पे डिवाइड कर दिया 18 से, क्योंकि हमने 18 को ख़त्म करना है, और यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो आ गया 11 डिग्रीज। ठीक है, अब चूंकि ये डी की वैल्यू है तो मैं इसके साथ डिग्री नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ उसके डी इज इक्वल्स टू 11 कहूंगी। और अगर हमें एंगल्स फाइंड करने पड़ जाए तो हम यहाँ पे भी इसके साथ भी डी की जगह 11 पुट करके आंसर फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और हमारे पास फिर एंगल्स की वैल्यूज आ जाएंगी, मेजरमेंट्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्ट्रेट लाइन गिवन है AOB, एक लाइन है CD जो कि पॉइंट O पे इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे हमारे पास है 48 डिग्रीज का एंगल। हमने क्या फाइंड करना है, AOC एंड DOE, ये दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। ये वाला इस तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था। सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं रूल, किस वाला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाला। एंगल्स जो हमने फाइंड करने वो AOC यानी ये वाला एंगल है, और DOE ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का फॉर्मूला अगर हमें लगाना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी दो लाइंस आपस में वर्टिकली ऑपोजिट आ रही है, कहाँ कौन से दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं। उसके लिए हमें ये लाइन देखनी पड़ेगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके आसपास में जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यानी AOC is equals to BOD because ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। अब AOC
अगर बी ओ डी किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है, तो ए ओ सी भी 48 डिग्रीज के इक्वल ही होगा। अब अगर हमने फाइंड करना है डी ओ ई, ए ओ सी हम फाइंड कर चुके हैं, डी ओ ई फाइंड करने के लिए आपने क्या देखना है, आप इस स्ट्रेट लाइन को ले लें, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को जब आप देखेंगे, यहाँ पे ये वाला एंगल हमें मिल रहा है 48 का, ये वाला एंगल अभी अभी हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। इसका मतलब अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो हमारे पास 180 के इक्वल आने चाहिए। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इक्वल टू 180। यहाँ पे 48 प्लस 90 प्लस डी ओ ई, प्लस डी ओ ई, यहाँ पे डी ओ ई साइड पे हो गया, और हम लोगों ने 138 को यहाँ से इधर ले आना है, और ये माइनस के साइन के साथ आएगा, और डी ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 डिग्रीज। इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल था हमारे पास, ये वाला एंगल 42 डिग्रीज का है। क्वेश्चन नंबर नाइन में हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये वाला एंगल उन्होंने हमें दे दिया 117 का, और ये लाइन है सी डी, ये लाइन है ए बी। अब इस साइड पे हमारे पास तीन और एंगल्स हैं, ये है एंगल ए, ये है एंगल 30 डिग्रीज का, और ये है एंगल 40 डिग्रीज का, ई एंड एफ, और ये पॉइंट ओ। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे ए ओ बी एंड सी, सॉरी यहाँ पे हमने अननोन एंगल फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे ए है, ठीक है। हमने यहाँ पे एंगल ए फाइंड करना है। अब इस एंगल ए को फाइंड करने के लिए हमको ये डायग्राम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है। ओवरऑल इसको देखने में ऐसे लग रहा है इतने ढेर सारे एंगल्स हैं, उनमें से सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सीधा सीधा हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का लगाएंगे फॉर्मूला, जो कि हमने इस लाइन के ऊपर देखना है, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि अगर हमारे पास एंगल लाइन के उस साइड पे एंगल 117 का है, तो इट मींस कि ये वाला एंगल भी 117 का होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये ओवरऑल ये पूरा एंगल अगर 117 का है, तो उसमें तीन एंगल्स और बने हुए, एक ए है, एक 30 है, और एक 40 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाते हैं, और हम यूं कर लेते हैं, ए डिग्रीज प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 117। यहाँ पे हमने किसी को भी 90 के इक्वल नहीं कहा, किसी को 180 के इक्वल नहीं कहा, किसी को वो 360 के इक्वल नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें आ ही नहीं रही हैं। हम यहाँ पे सिंपली क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, जो कि ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। ये वाला अगर 117 है, तो ये वाला एंगल भी 117 का होना चाहिए, और ये 117 का है। हमने क्या करना है, बस मसला क्या है कि 117 का उन्होंने कंप्लीट नहीं दिया हुआ, उन्होंने इस एंगल को तीन पार्ट्स बना दिए, एक ए है, एक 30 है, एक 40 है। तो हमें ये पता है कि जब ए, 30 और 40 तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 117 आएगा, तो मैंने उस चीज़ को लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, 30 और 40 को ऐड करो तो 70 आ जाएगा, ए को यहीं पे रहने दो, 70 को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दो, ये हमारे पास आ गया 47 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल ए था, ये 47 डिग्री है। अब हमने अपनी कंफर्मेशन के लिए एक काम कर लेते हैं कि क्या ये एंगल वाकई 117 का था, क्या ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट है या नहीं। हम इन तीनों को प्लस करके देख लेते हैं, अगर ये 117 के इक्वल हुआ, 117 के इक्वल हुआ, तो इट मीन्स कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हम कर लेते हैं 47 प्लस 30 प्लस 40, चलें जी, ये सारा पूरे का पूरा एंगल 117 डिग्रीज के इक्वल है, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है बी पार्ट, इसका वो आप लोग खुद करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10A एक्सरसाइज के जो आगे इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन है, वो वाले सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।